हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिन निफ्टी में कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक हम समझने की कोशिश करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो डॉट टू डॉट लेवल्स हमने मार्केट मतलब प्राइस एनालाइज करके यहाँ पे डॉट टू डॉट लेवल्स ड्रॉ किए हैं। तो इसका लॉजिक हम समझेंगे और मार्केट कैसे कामकाज करेगा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक मार्केट अभी कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है 47500 लेवल, जो कि है राउंड लेवल है मार्केट का, इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में अपर साइड में कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो मार्केट इधर साइडवेज, ठीक है, इस लेवल में साइडवेज या इस लेवल में कुछ प्रोजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट, ठीक है, एक अपर साइड का मोमेंटम देके यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस क्रिएट करेगा, मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम देके फिर से डाउन साइड आने की कोशिश करेगा और एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। सो हमें अगर गैप अप ओपन होता है या अपर साइड में कोई भी प्रोजेक्शन दिखने के लिए मिल सकता है, अपर साइड का स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो हम एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है कल के दिन 47258 के आसपास, हमें वही फर्स्ट टारगेट रखना है और सेकंड टारगेट के लिए हम 4764 रख सकते हैं। थर्ड टारगेट जो भी हमारा स्विंग बनाया है रिसेंट स्विंग 46924 के आसपास, वो स्विंग हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में हम कैसे कामकाज करेंगे, देखिए मार्केट में यहाँ से आप देख सकते हो कि एक स्विंग बनाने मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाते हुए एक अपर साइड का मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इस स्विंग के आसपास आ रहा है मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जब मार्केट इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा तो हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारे जो लेवल्स है यहाँ तक आराम से, देखिए इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारा 46741 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के लिए इस स्विंग का लो आप पकड़ सकते हो, जो कि 46500 के आसपास स्विंग आ सकता है। तो सेकंड टारगेट हमें 46500 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट देखिए इसी लेवल में अगर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें देखना है अगर 47258 को अपर साइड में अगर मार्केट एक साइडवेज होने के बाद निकलता है तो हमें फिर से 47500 के आसपास फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 300 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो हमें फर्स्ट टारगेट यहीं पे अचीव हो सकता है, क्योंकि अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है उस वहाँ पे 47500 के आसपास जाने के बाद। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ साइडवेज होने के बाद फिर इस रेंज को अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है हमारे जो टारगेट है 46924 और फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए और सेकंड 46741, थर्ड के लिए आप 46500 के आसपास जा सकते हो। इसके नीचे भी 46344 आप यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको जोखिम न लेते हुए 46500 के आसपास आपको बुकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं कल के दिन हम कैसे कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर निफ्टी कामकाज करने के लिए, देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक एरिया जो हमें दिख रहा है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट इस स्विंग को अगर मार्केट अपर साइड में कर देगा तो जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से अगर फेक ब्रेकअप देख के मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमें निचले स्तर में 20789 की लेवल पे देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करेगा, जो कि 20000 के नीचे आने की कोशिश करेगा, तो हमें यहाँ से फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि 20789 के आसपास जा सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके 15 मिनट का कैंडल अपर साइड में निकलता है तो हमें 21100 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से अगर अपर साइड में नहीं निकलता है तो हम सेलिंग करके चल सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट यहाँ पे 20900
फर्स्ट आ गया 20,952, सेकंड 20,900, थर्ड 20,847 और फोर्थ टारगेट के लिए भी आप कल के दिन बैठ सकते हो अगर मार्केट में एक अच्छी यहाँ पे एक रैली देता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फेक अगर ब्रेकअप होकर नीचे आने की कोशिश करेगा तो मार्केट यहाँ से आ सकता ही है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन देने की कोशिश करेगा तो हम कैसे कामकाज करेंगे? देखिए, गैप डाउन देता है मार्केट इस विंग के नीचे, तो हमें देखना है कि मार्केट इसके नीचे ना सस्टेन होना पाए, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे भी गैप डाउन देता है और इसके ऊपर आता है 20,847, तो हमें फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जो कि फिर से 20,942 आपका टारगेट होना चाहिए। 20,942 और 21,000 तक आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है मार्केट, ठीक। और छोटा सा एक गैप डाउन होता है इसी लेवल के आसपास, छोटा सा गैप डाउन होता है तो हमें फिर से निचले साइड के जो लेवल्स हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करता है, जो कि 20,847 20,789 के आसपास आ सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इसी लेवल में अगर रेंज में कामकाज करता है तो हमें यहाँ से अगर अप डाउन मतलब 21,000 को आप ब्रेकअप करने के बाद मार्केट 21,056 और 21,100 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे की तरफ 20,952 को नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो आपको फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है मार्केट, जो कि है 20,847 और 20,789 के आसपास आ सकता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि फिन निफ्टी में कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में आप देख सकते हो फिन निफ्टी बहुत ही बढ़िया एक लेवल के आसपास अभी खड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास नीचे अपर साइड में या कोई भी लेवल्स 21,300 के आसपास भी कोई अपर साइड में ओपन होता है तो 21,500 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वही टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ से एक थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम देके मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, जो कि प्राइजेक्शन के साथ आपको काम करना है। आपके फर्स्ट लेवल्स 21,882 के लेवल्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट गैप इधर साइडवेज या अपर साइड का मोमेंटम देने की कोशिश करता है, तो इसी लेवल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। यह अपने जो लेवल्स है अपने चार्ट में बनाए रखें और बहुत ही बढ़िया आपको कल के दिन कामकाज करते हुए दिख सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद आपको कैसे कामकाज करना है? देखिए, फ्लैट ओपन होता है इस लेवल में तो आपको रेंज बनाना है। अगर रेंज इसके नीचे आता है तो मार्केट 21,082 21,000 का लेवल अपर साइड में रेंज तोड़ता है तो 21,234.5 के अपर साइड में आपको 21,300 और 400 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल के दिन इसी लेवल के साथ आप कामकाज कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल को अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।